जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका मार्गदर्शक और आपका ज्योतिषी, अपने एस्ट्रो हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का प्यार हमारे प्रति ऐसी तरीके से बना रहे, आप सभी का रिप्लाई और आप सभी का फोन करके हमें ये जानकारी देना कि आचार्य जी आप सभी का वीडियो हमें बहुत पसंद आता है, इन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार जी। आज का जो हमारा मुख्य विषय है ये है राजनीति में सफलता पाने के योग। क्या आप राजनीति में मुख्यमंत्री, मंत्री या उच्च पद पाना चाहते हैं? क्या इस तरीके से योग है आपकी कुंडली में? बहुत से मुख्यमंत्री, राज्यपाल की कुंडलियों में इस तरीके से योग होते हैं। आइए आज हम बताते हैं कि क्या आपकी कुंडली में है इस तरीके से राजयोग। जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है और इस तरीके का योग उसकी कुंडली में है तो ये मान के चलिए ऐसा व्यक्ति मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, राज्यपाल, राजदूत या केंद्र में मंत्री पद जरूर पाएगा। ऐसा व्यक्ति राजनीति में अपनी उच्च महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाएगा और समाज में एक बड़ा समाज सुधारक भी होगा। तो आइए देखते हैं क्या इस तरीके से आपकी कुंडली में है राजनीति की। जिस तरीके से मैं राजयोग बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ ग्रह भी होते हैं, अगर उनका योग भी आपकी कुंडली में मिल जाता है और आप राजनीति में सक्रिय हैं तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। इस तरीके से राजयोग का फलित उन्हीं के लोगों की कुंडली में होता है जो राजनीति में वाकई सक्रिय होते हैं। अगर राजनीति में सक्रिय नहीं होते हैं तो जिस व्यवसाय में होते हैं उस व्यवसाय में ही वो तरक्की करते हैं, उसी व्यवसाय में वो आगे जाते हैं। इन तरीकों से योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में होते वो अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ करके लेते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी सौंपता नहीं है। अर्थात एक शब्द में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ले लेते हैं, आगे बढ़ करके राजनीति नेतृत्व करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कौन सा वह योग है, क्या आप लोगों की कुंडलियों में इस तरीके से योग है। अगर आपने राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो इस तरीके से योग अगर आपकी कुंडलियों में बन रहा है तो जरूर बताते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में राजनीति का हमारा विशेष विश्लेषण रहा है और राजनीति से संबंधित विश्लेषण करना हमारा प्रिय भी विषय रहा है। हमने बहुत से लोगों की इसका विश्लेषण भी किया, आज सफलता के मुकाम पर हैं। तो आइए उन लोगों की कुंडलियों का जो विशिष्ट योग था, आइए आज सभी के सामने बताता हूँ वह कौन सा योग है और किस तरीके से। महाराज योग, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश पंचम में, पंचमेश लग्न में, यदि दोनों ग्रह की युति लग्न में या पंचम स्थान पर हो रही है, यदि दोनों ग्रह कुंडली में या नवमांस कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं तो इस तरीके का योग बनता है जिसे कहते हैं महाराज योग। तो ऐसा जातक राजनीति में सफलता के शिखर को जरूर छूता है। एमएलए, एमपी, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा परिषद, लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री जरूर बनता है। यदि आपकी कुंडली में इस तरीके से योग है और राजनीति में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो जरूर आप राजनीति को अपना कैरियर बनाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको संघर्ष करना है, परिश्रम करना है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह मजबूत हुआ तो आप परिश्रम जरूर करेंगे और संघर्ष जो करता है वही आगे बढ़ता है। और ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियों को लेकर के बिल्कुल निडर रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को, जो भी जिम्मेदारी उसको मिलती है और या जो भी जिम्मेदारी उस स्वयं आगे बढ़ करके हासिल करता है जरूर उसको पूरे मन से पूरा करता है। दूसरा योग है मारुत योग। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र से केंद्र में गुरु हो और गुरु से पंचम में चंद्रमा हो या चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मारुत योग होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरीके का योग होता है तो ऐसा जातक राजनीति में जरूर सफलता पाता है, तेजस्वी होता है, विशाल हृदय वाला होता है, उदार होता है, जनता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है और समाज सुधारक भी होता है। और ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री या शासन व्यवस्था में कैबिनेट सचिव के पद पर भी देखे जाते हैं। अगर आप सभी की कुंडलियों में इस तरीके से योग है तो राजनीति के सफलता में जरूर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन योग होते हुए भी कर्म भी जरूरी है कि राजनीति में आपको महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा, अर्थात आपको
कोई भी व्यक्ति प्रभार सौंपेगा नहीं, आपको आगे बढ़ करके काम को करना पड़ेगा। होता क्या है कि व्यक्तियों के अंदर थोड़े से शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं अपने सीनियर से इस बात को बोले कि नहीं। आपको अगर सफलता पाना है तो बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। आपके जो भी सीनियर हों उनसे जिम्मेदारियां लेने को कहें और आगे बढ़ करके काम करें, अपने को प्रमाणित करें, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि कोई भी योग हो, योग तो व्यक्तियों की कुंडली में होता है। अगर व्यक्ति आगे बढ़ करके परिश्रम करता है, सफलता उन्हीं को हाथ लगती है। योग तो बहुत सारे राजयोग बहुत से लोगों की कुंडलियों में होता है, लेकिन जो लोग कर्मठ होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो योग अगर आपको है तो रास्ता तो आपको जरूर खुलता मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के होने की वजह से, गुरु के होने की वजह से, एक बात का ध्यान रखना है कि अपने अंदर शर्मीलेपन को हटाना है, मांगना है। क्योंकि इस समय कोई भी बिना मांगे कभी किसी को कुछ नहीं देता, चाहे आप जितने भी बड़े योग्य हो। क्योंकि आप ही की तरीके से दसों लोग पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बराबर एक दूसरे को काटने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको मांगना पड़ेगा। क्योंकि आज का समय आगे बढ़ने का है, नेतृत्व करने का है, तभी आपको सफलता मिलेगी। लक्ष्मी योग, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश बलवान हो, नवमेश अपनी राशि, मूल त्रिकोण स्वराशि में मजबूत होकर के केंद्र में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में लक्ष्मी योग होता है। तो ऐसे जातक पराक्रमी, शीर्ष पद को पाने वाले, शासन सत्ता के बहुत ही नजदीकी व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति भी जरूर राजनीति में भी सक्रिय पद देखे जाते और उनको शीर्ष पद मिलता भी है, चाहे वो राज्यसभा के द्वारा हो या विधान परिषद के द्वारा हो, पर वो सत्ता में जरूर रहते हैं। पर्वत योग, यदि आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो या अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और शेष शुभ ग्रह आपके केंद्र में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में पर्वत योग होता है। ऐसा व्यक्ति सफल वक्ता, नीतिज्ञ, शास्त्र और मुख्यमंत्री, मंत्री और राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला यह योग होता है। तो ऐसे व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है, और साथ में जिस भी क्षेत्र में रहे ऐसा व्यक्ति, सफलता उनको जरूर हासिल होती है। अगर आपकी कुंडली में इस तरीके से योग बन रहे हैं, जरूर आप प्रयास जरूर कीजिए राजनीति के क्षेत्र में। आगे अभी और सारे योगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। काहल योग, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश बलि हो और सुखेश अर्थात चौथे भाव का स्वामी और बृहस्पति परस्पर एक दूसरे को देखते हों, या चौथे भाव का स्वामी और दसवें भाव की युति केंद्र में हो, तो आपकी कुंडली में काहल योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर झूठ बोलने वाला, चतुर वक्ता होता है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में राजनीतिक रूप से अभ्युदय का भी योग होता है, अर्थात राजनीति में जाने का योग जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में जरूर जाते हैं। अगर आप सभी की कुंडलियों में इस तरीके से योग बन रहे हैं, जरूर आपको राजनीति में सफलता मिलेगी। इन सब योगों के अलावा, अगर आपकी कुंडलियों में इन योगों के अलावा और ग्रह जिम्मेदार है राजनीति में सफलता पाने के, आइए बताते हूँ वह ऐसे ग्रह मजबूत हैं तो आपको किस तरीके से राजनीति में मिलेगी सफलता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, जो मन का कारक है, तो आप संघर्ष के बाद सफलता जरूर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा अगर मजबूत है तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, चाहे शुरुआत में असफलता ही मिले, पर आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है तो आपको समय समय पर राजनीतिक लोगों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा, अर्थात आपको शासन सत्ता का भी सहयोग मिलता रहेगा और राजनीति में सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने नेतृत्व के कारक जाने जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हुआ, जो आप लोगों को बोलेंगे वो लोग आकर्षित हो जाएंगे, आपके भाषण सुनने के लिए लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे। इसके अलावा अगर बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है तो, और आप राजनीति में हैं, तो आपके शासन सत्ता में बैठे हुए या राजनीतिक दल में बैठे हुए लोगों का आशीर्वाद बराबर मिलता रहेगा और आपको समय समय पर तरक्की भी बराबर होती रहेगी। और अगर बृहस्पति मजबूत है तो आप अपना राय देने से कभी भी पीछे नहीं हटे होंगे, जिससे पार्टी और आपके दल को लाभ हो, इसके लिए बराबर आप राय देते रहेंगे और आपकी राय की तवज्जो भी बराबर मिलेगी। और जो राजनीति में सफलता का अगला कारक ग्रह है वो है राहु।
जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह मजबूत होते हैं उसको तो नए नए आइडिया आते रहते हैं, और कम्युनिकेशन के द्वारा अर्थात मीडिया का प्रयोग वो बेहतर तरीके से करेगा और राजनीति में सफलता तो जरूर मिलेगी। और हमने पाया भी है कि दशमस्त भावस्थ राहु व्यक्ति को राजनीति में सफलता जरूर देता है। ऐसा व्यक्ति देर सवेर ही चाहे राजनीति से जरूर जुड़ता है और सफल भी जरूर। अगला जो महत्वपूर्ण कारक ग्रह हुआ है शनि ग्रह। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह मजबूत है, लग्न में है, तो आपको राजनीति में जनता आपको बहुत प्यार करेगा, क्योंकि जनता का कारक ग्रह शनि है। उनकी समस्याओं को बराबर उठाएंगे मंच से, और इसलिए आप जनता का एक सच्चे लीडर भी बनेंगे। और पर यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है, अगर शनि ग्रह आपका मजबूत है तो जनता के साथ किए गए वादों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वादों को पूरा करेंगे तो जनता का पूर्ण आशीर्वाद आपको लगेगा, अर्थात आपको सफलता जरूर मिलेगी और शनिदेव की भी कृपा आपको जरूर मिलेगी। ये ग्रहों को वो योग थे, इन योगों के साथ अगर ये ग्रह भी आपकी कुंडली में मजबूत हैं सफलता कैसे मिलेगी ये बताएगा। एक और महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। अगर मंगल आपकी कुंडली में मजबूत है तो आप निडर होकर के किसी भी तरीके से, चाहे आपको जेल की ही यात्रा क्यों न पढ़नी पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। आपके लोग निडर स्वभाव के कारण लोग आपके पीछे रहेंगे कि हमें ऐसा ही मुखिया चाहिए। तो साथियों, ये राजनीति में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण योग था। और ये अगर आप देखिएगा तो ये आचार अभिनव के जो राजनीति में सफलता पा रहे लोगों की कुंडलियों का संग्रह था, आप कह सकते हैं वो था कि जिन्होंने देखा और पूरा निचोड़ आपके सामने रखा। तो जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों, एक बात और, हमने कहा था हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बराबर बनी रहें, तो बहुत से जातक ने कमेंट बॉक्स में या हमें बराबर बधाई भी दे रहे हैं कि आपके जो बताने का ढंग होता है वो हमें बहुत समझ में आता है आचार्य जी। तो कृपया इसी तरीके से बनाए रहिएगा। उन लोगों को बराबर हमारा आभार कि आप लोगों का इस तरीके से हमें प्यार मिल रहा है। और साथ में बहुत से जातक ये भी चाहते हैं कि उनको किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, कैसे सफलता मिलनी चाहिए, और सफलता पा करके वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारा वीडियो जरूर देखते रहिएगा, और हमारे द्वारा बीच बीच में कुछ ऐसे मूल मंत्र होते हैं जिनको आप कभी न कभी आपके दिल पर वो लगेगी, और लगेगी वही मूल मंत्र ही आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाएंगे। क्योंकि आप तो हमें जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस जुड़ाव को ईश्वर की कृपा मानता हूँ, ईश्वर की इच्छा हुई आप हमसे जुड़े और मैं आपसे जुड़े और हमारे आपके बीच। और जो मैं, जैसे आज का हमारा मूल मंत्र था अगर देखा जाए कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, ली जाती है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, बहुत बड़ा आपके कैरियर में अगर उतारेंगे तो प्रभाव भी डाले। इसी तरीके से कुछ ना कुछ वाक्य हमारे वीडियो में जरूर प्रयोग होते हैं, जिसको अगर आप देखेंगे ना, तो कभी कभी अगर लोग 1000 लोगों में से अगर एक लोग भी उस पर अमल कर लिए ऐसे वाक्यों पर, तो जरूर उनका जीवन भी सफल होगा। और कभी ना कभी कोई शब्द आपको भी अच्छा लगेगा और अपने आप जीवन में जरूर उतारेंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, साथ में इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे और महत्वपूर्ण वीडियो जरूर आपको प्राप्त हो। तो जय माता दी, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।